क्लास 12th का टॉपिक है यूनिट 6 पैकेज टूर कॉस्टिंग। इससे संबंधित मैंने वीडियो आपको बनाया है और कई चीज़ें आपसे ऑलरेडी शेयर कर रखी हैं, लेकिन आज के दिन मैं इसमें एक ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित कुछ बच्चों को डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, वो बहुत ही सिंपल है, तो इसलिए मैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक ये टॉपिक है आपका प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। अब प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट में इतना जो कुछ भी लिखा है, ये सभी चीज़ें हर कोई भी ट्रैवल एजेंसी होती है उसमें जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं उन सभी कॉस्ट शीट को मेंटेन करने के लिए क्या क्या कदम, महत्वपूर्ण कदम उठाने होते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि पैकेज टूर बनाते वक्त किन किन चीज़ों की मदद से वो सभी लोग टूर पैकेज को बनाते हैं, प्रॉफिट मार्जिन होता है उसमें, सेल करने से पहले कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है कॉस्ट शीट बनाते वक्त, उन चीज़ों को बताया गया है। कॉम्पिटिटिव मार्केट में भिन्न भिन्न प्रकार की जो प्राइजेज होते हैं उनसे संबंधित स्ट्रैटेजी की जाती है, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए हर कंपनी के भिन्न भिन्न प्रकार के नज़रिए होते हैं, उसके अंतर्गत वो कार्य किया करते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। इसमें दो प्रकार के पॉइंट्स हैं जो दर्शाए गए हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। इन चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि द डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दैट इंक्लूड सैलरी, ट्रेनिंग, ऑफिशियल टूर, टेलीफोन, इंटरनेट बिल्स, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉय एमेनिटीज़। भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी सुख सुविधाएं हैं उन सभी चीज़ों को दो पार्ट में विभाजित कर दिया गया है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में। डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि जो चीज़ें देनी ही है उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, आप पैकेज सेल करें ना सेल करें आपको उन चीज़ों को देना ही है, उन सुविधाओं को का कॉस्ट देना ही है। हम ये ट्रैवल एजेंट से संबंधित जो ट्रैवल एजेंसी कंपनी है उनसे संबंधित बात कर रहे हैं इस वक्त, तो ट्रैवल कंपनी कोई भी खोलेगा तो उनको उस चीज़ का पैसा देना पड़ेगा। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन्हें एम्प्लॉय को सैलरी देना पड़ेगा, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कराने में जो खर्चा आता है वो देना पड़ेगा, ऑफिशियल टूर्स जो कराते हैं, ऑफिशियल टूर अगर कोई सिंगापुर में से संबंधित पैकेज टूर करवा रहा है ट्रैवल एजेंसी वाला तो उनको सिंगापुर भी घुमाना होता है, उनको जानकारी देनी पड़ती है ट्रैवल एजेंसी वालों को, तभी वो उस जगह उस डेस्टिनेशन पे टूरिस्ट लोगों को घुमा पाएंगे, तो उसमें भी खर्चा होता है, कंपनी वालों को खर्चा करना पड़ेगा, टेलीफोन का बिल भी भरना पड़ेगा, इंटरनेट का भी कॉस्ट जो है बिल है उसको भी भरना पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट जो रेंट से संबंधित जितना भी मंथली बेसिस पे वो जहाँ पे ऑफिस खोल रखा है कंपनी वालों ने उसका भी पैसा देना पड़ेगा, एम्प्लॉय से संबंधित एमिनिटीज़ जो है भिन्न भिन्न प्रकार की उससे संबंधित कंपनी वालों को पैसा देना पड़ेगा, तो वो तो रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप पैकेज सेल करो ना सेल करो वो उससे मतलब नहीं है, आपको तो इन चीज़ों को खर्चा जो है उसको तो पैसा देना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉस्ट शीट बनाते वक्त इन चीजों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। और इसके बाद और भी कुछ चीजें बताई गई हैं, द इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड एडवर्टाइजिंग सेल्स। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट में और भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें एडवर्टाइजिंग है, भिन्न भिन्न प्रकार की पब्लिसिटी और प्रमोशन से संबंधित चीज़ों पर उसमें भी तो खर्चा हो रहा है, प्रिंटिंग करने में, कार्ड बनाने में, बुकलेट बनाने में, और जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो मैगजीन्स होती हैं उसमें लोग अपना ट्रैवल एजेंसी का लोगो लगा देते हैं और वो एडवर्टीजमेंट करते हैं उसमें भी तो खर्चा होता है, उसमें भी पैसा लग रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी तो लेनी पड़ेंगी, तो इसलिए उन चीज़ों पर भी कार्य किया जा रहा है। टूर पैकेज जब भी बनाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, टूर पैकेज पर कोई थोड़ी ना कि हमारी मैगजीन इन्वेस्टमेंट में हमने इतना खर्चा कर दिया है, वो नहीं लिखते हैं वो, लेकिन सभी चीज़ों को इंक्लूड करके चलते हैं, जितना भी टूर पैकेज है वो क्लाइंट से लेना है, वो कहीं ना कहीं से पैसे उनको निकालने हैं तो वो बिल में अपना कॉस्टिंग ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, वही इसीलिए इस टॉपिक को बताया गया है। इसमें बताया गया है कॉम्पोनेंट ऑफ टूर कॉस्ट, ये आप देख सकते हो, इसको दो भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया गया है, परसेंटेज के अंतर्गत इन सभी चीज़ों को दर्शाया गया है कि कितना परसेंटेज हो रहा है वो यूज़ उस चीज़ का, उस महत्वपूर्ण चीज़ जो है उन चीज़ों का यूज़ हो रहा है उससे संबंधित चीज़ों को दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है कि डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, कितना प्रतिशत लग रहा है डायरेक्ट कॉस्ट में और इनडायरेक्ट कॉस्ट में कितना प्रतिशत लग रहा है, वो देखो टोटल लिखा है, टोटल से देखो यहाँ देख सकते हो आप 70% लग रहा है टोटल डायरेक्ट कॉस्ट में, इतना खर्चा जो भी है उतना हो रहा है तो इसको डायरेक्ट कॉस्ट में ले रहे हैं, वो सभी चीज़ों को जोड़ करके टोटल ऐड ऑन करके बताते हैं। इसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट में टोटल देख सकते हो, टोटल 15% का ऑल ओवर जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट से आ रहा है, 15%,
तो आप देख लो उसके हिसाब से ही कोई टूर पैकेज को बनाता है, टूर कॉस्टिंग करता है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो टूर कॉम्पोनेंट्स है उससे संबंधित जानकारी यहाँ पे बताई गई है। इसमें सबसे प्रथम कॉम्पोनेंट बताया गया है डायरेक्ट कॉस्ट, सबसे हेडिंग देख सकते हो डायरेक्ट कॉस्ट। एकोमोडेशन फूड रूम ब्रेकफास्ट मील 25%, 25% जो भी टूर पैकेज है, टूर पैकेज बनाते हैं उसमें संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं उसमें 25% जो है वो जो ये कॉम्पोनेंट है एकोमोडेशन और फूडिंग से संबंधित उसमें खर्चा हो रहा है, तो उन चीज़ों को टूर पैकेज में मेंशन किया गया है। एयरलाइंस टिकट, अब एयरलाइन से संबंधित जो टिकट है, चार्टर्ड फ्लाइट है, शेड्यूल संबंधित, तो एयरलाइंस में कितना इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत, कितना कॉस्टिंग के अंतर्गत परसेंटेज है, 20%, यानी 20% जो है ये एयरलाइंस टिकट में ऑल ओवर कॉम्पोनेंट में इतना इन्वेस्ट किया जा रहा है। और डायरेक्ट कॉस्ट में आप देख सकते हैं ट्रांसफर, साइट सीन, एक्सकर्शन, जो भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं हैं प्रदान की जा रही हैं वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। कोच, कार, वैन, इसमें 15% का ऑल ओवर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो उसमें वो जब भी कोई बुकिंग करता है उन इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टूर कॉस्टिंग का निर्माण किया जाता है, पैकेज बनाया जाता है। 15% टोटल पैकेज में 15% ट्रांसफर एंड साइट सीन एक्सकर्शन से संबंधित जो कॉस्ट है उसमें मेंशन किया जा रहा है टूर पैकेज में। एजेंट कमीशन भी देना है अब ट्रेवल एजेंसी वालों को, एजेंट का भी पैसा है वो 10%, जितना भी पैसा 100% वो देगा उसमें से 10% वो एजेंट को कमीशन देंगे ट्रेवल एजेंसी वाले, वही डायरेक्ट कॉस्ट में यहाँ लिखा हुआ है। अब इन सभी चीज़ों को टोटल जोड़ लो, 25 + 20 + 15 + 10, टोटल ऑल ओवर जितना भी है मोस्टली टोटल 70% हो रहा है डायरेक्ट कॉस्ट में। इन सभी चीज़ों को जब भी कोई पैकेज बनाते हैं तो 70% जो है भिन्न भिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं हैं डायरेक्ट कॉस्ट के अंतर्गत, 70% जो है वो इसके अंतर्गत मेंशन किया जा रहा है, यानी 25% एकोमोडेशन में, 20% समथिंग एयरलाइंस टिकट में, ट्रांसफर साइट सीन एक्सकर्शन से संबंधित जो टूर संबंधित 15% उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ट्रैवल एजेंट जो है या एजेंट जिसकी मदद से बुकिंग करवाई जा रही है 10% उसको भी दिया जा रहा है। तो टोटल 70% जो होता है पैकेज जब भी बनाया जा रहा है उसमें 100% जो कस्टमर का पैसा है उसमें से 70% जो पैसा है वो इस जगह इन्वेस्ट कर दिया जा रहा है। ये एक मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, आइडियोलॉजी दे रहा हूँ, ऐसा कोई सब कोई करता नहीं है, लेकिन एक इसके अंतर्गत ये सभी चीज़ें किताब में बताई गई कि टूर कॉस्टिंग बनाते वक्त, टूर कॉस्टिंग का निर्माण करते वक्त इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टूर पैकेज को बनाया जाता है कि इधर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 70% तो हमारा यहीं पर लग जा रहा है डायरेक्ट कॉस्ट के अंतर्गत। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट के आगे लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य हो रहे हैं उसमें सैलरी दी जा रही है, भिन्न प्रकार के रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, लोगों को नौकरी दी जा रही है, रोजगार दिया जा रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, अलाउंस दिया जा रहा है, इंप्लॉई का इंश्योरेंस करवाया जा रहा है, उन सब में पैसा लग रहा है, वो सभी चीजें इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। इसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, यानी ट्रैवल एजेंसी वाले जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर करते हैं। अब ये मेंटेनेंस से संबंधित लिखा है यहाँ पे, रेंट से संबंधित, रूम का रेंट देना है, जो ऑफिस का रेंट है वो तो देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ेगा, वाटर सप्लाई यहाँ नहीं लिखा है, वाटर सप्लाई का भी पैसा देना पड़ता है, टेलीफोन का बिल का देना पड़ता है, इंटरनेट का देना पड़ता है, वाईफाई का देना पड़ता है, सॉफ्टवेयर का देना पड़ता है, जो वहाँ सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से वहाँ पे ट्रैवल एजेंसी में कार्य किया जा रहा है कंप्यूटर में, वो सॉफ्टवेयर वालों को पैसा देना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें मिलाकर 9% देख सकते हो, 9% आपका लग रहा है इन चीज़ों में, सैलरी, पर्क्स, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अलाउंसेस, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, सॉफ्टवेयर, ये सभी चीज़ें 9% बिल में मेंशन किया जा रहा है, 9% इसमें से लिया जा रहा है, इनको दिया जा रहा है ये सभी वर्क ऑन करने के लिए। यही सभी थोड़ा थोड़ा मिला के ज़्यादा हो जाता है, तो वो सारी चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है कंपनी के द्वारा। मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन ये भी करना है। अब ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो टूर पैकेजेस हैं उसमें मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन वो लिखते नहीं है, लेकिन कॉस्टिंग तो वो पैकेज में इंक्लूड करते हैं, है ना, तो वो तो लेना ही है, किसी ने कहीं से तो वो टूर पैकेज में पैसा निकालना ही है। तो मार्केटिंग और सेल प्रमोशन जो ट्रैवल एजेंसी मेक माई ट्रिप यात्रा .com goibibo.com सभी यही सारी चीज़ें कर रहे हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं। तो जब मार्केटिंग करेंगे तभी वो लोग जानेंगे उस ट्रैवल एजेंसी के बारे में।
5% इसमें लग रहा है, इसमें पैसा दिया जा रहा है हर पैकेजेस से 5%, 5%। फिर मिसलेनियस, भिन्न भिन्न प्रकार के मिसलेनियस चार्जेस जो होते हैं, मेडिकल होता है और इंसेंटिव होता है, ट्रेवल से संबंधित, गेट टुगेदर यानी कोई पार्टी हो गई, मीटिंग हो गई, कॉन्फ्रेंस हो गया, माइस से संबंधित मैंने आपको बताया था उसमें भी पैसा लग रहा है, किसी होटल में बुकिंग करवा रहे हैं होटल वाले भी पैसा लेते हैं, कोई आप बैंक्वेट बुक करोगे, कोई खाने पीने का व्यवस्था करोगे, कोई ब्रेकफास्ट का बुकिंग करवाएंगे, रहने की सुविधा जो होगी उसमें 1% यानी 1% उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है कंपनी का, इनडायरेक्ट कॉस्ट में मिसलेनियस चार्जेस हैं, ये तो लगना ही है। तो ये सारी चीज़ें भी कंपनी में होती रहती हैं, सभी इम्प्लॉय को बताने के लिए सीईओज, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स वो भिन्न भिन्न प्रकार की मीटिंग और गेट टुगेदर करते हैं, वो सभी चीज़ें मिसलेनियस चार्जेस में आ रही हैं जो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो इसमें टोटल ऑल ओवर कितना प्रतिशत लग रहा है, 15%, 15% आप देख सकते हो 15% इसमें हो रहा है इनडायरेक्ट कॉस्ट में, ये सारी चीज़ें मिलाकर 15% हो रहा है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर था और भिन्न भिन्न प्रकार के मेंटेनेंस से संबंधित थे, मार्केटिंग और सेल्स प्रमोशन था, मिसलेनियस चार्जेस थे, डायरेक्ट कॉस्ट में एकोमोडेशन, फूडिंग, एयरलाइन टिकट, ट्रांसफर, साइट सीन, एक्सकर्शन, कोच वैन से संबंधित, एजेंट कमीशन से संबंधित, वो सभी डायरेक्ट कॉस्ट में था, डायरेक्ट कॉस्ट में 70%, इनडायरेक्ट कॉस्ट में 15%। तो यही सारी चीज़ें जो हैं ये मिलाकर सभी चीज़ों को टूर कॉस्टिंग से संबंधित जब भी बनाया जाता है इन पे ध्यान दिया जाता है। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट देख सकते हैं नेट इनकम प्रॉफिट। अब ये सभी चीज़ों को ले जाने के बाद जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो बच रहा है वो 15% इसे सेव करना होता है कंपनी वालों को। अब हर पैकेज जो सेल कर रहे हैं उसमें 15% जो बच रहा है ये कंपनी का प्रॉफिट है, इससे कंपनी चलानी है आगे, फ्यूचर में चलानी है, जो भी उसमें वर्क प्रोसेस करना है वो सभी 15% जो प्रॉफिट है, जो मुनाफा है उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो ये प्रॉफिट को हाईलाइट कर रहा है, नेट इनकम प्रॉफिट 15% हो रहा है, यानी 15% तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में चला गया और 70% डायरेक्ट कॉस्ट में चला गया, तो बाकी बचा 15%, तो 15% आपका प्रॉफिट है, कंपनी वालों का प्रॉफिट है, ग्रैंड टोटल हो गया 100%। आप देख लो 100% देखो यहाँ पे लिखा है 100% हो गया ग्रैंड टोटल। तो इस चीज़ को आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट का निर्माण करते वक्त भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों को लोगों को ध्यान में रखकर ट्रैवल एजेंसी वाले बनाते हैं, उसमें एकोमोडेशन से संबंधित सुविधा, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसमें क्या क्या चीज़ें करते हैं, वो सभी चीज़ों को मैंने आपको इस वाले सेशन में बताया। इसके बाद बच्चों और भी कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैसेज बॉक्स में आप टाइप करें, तब तक मैं आपको कोई न्यू वीडियो अगर होता है तो मैं आपको बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।